हम लोग निंदा पशु आहार के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। अभी हमारे किसान भाई ने लिखा है कि आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन दूसरे पशु आहारों से ये महंगा है, तो मैं इस महंगे के होने के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आप लोग स्वयं जब आपकी कोई गाय भैंस दूध में आती है, कोई अच्छी गाय भैंस आप खरीद कर लेकर आते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये पशु अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम दूध दे। उसके लिए आप क्या करते हैं कि बाजार से महंगी चीज़ें, बिनौले की खल, चने की चूरी और सोया की खल, ये सब लेकर आते हैं। इनके दाम, इसके साथ में आप कैल्शियम की बोतलें लेकर आते हैं, 5 लीटर की, 5-5 लीटर की लेकर पूरे ब्याज में पिलाते हैं। उनकी कीमतें कितनी हैं? एक बोतल 600 रुपये से लगा के 900 रुपये तक की आती है। बिनौले की खल 28 से 30 रुपये किलो आती है। चने की चूरी 26-27-28 रुपये किलो आती है। तात्पर्य ये है कि दूध बढ़ाने के लिए आप कीमती से कीमती चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन पशु आहार जो ये कहते हैं कि हमारा खिलाने से दूध बढ़ेगा, वो आप सस्ते से सस्ता लेना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सस्ता पशु आहार जो आप ले रहे हैं, शर्त या वो दूध नहीं बढ़ाएगा। आप इसको देखना चाहते हैं तो आप केवल पशु आहार 10 दिन खिलाकर देख लीजिए, और 10 दिन नंदा पशु आहार खिलाकर देख लीजिए। केवल आप दूसरी कोई चीज नहीं खिलाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अब नंदा पशु आहार महंगा क्यों है? क्योंकि नंदा पशु आहार अपने फीड में जो बाजार में सबसे सस्ता आइटम है, जो दूसरे लोग 70% 60% मिलाते हैं, उसको 0 मिलाता है, नहीं मिलाता है, उसका नाम है DORB। हम लोग जो मिला रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग सोया मिला रहे हैं। ये देखिए सोया मील, बाजार में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। बाजार में आप खाली सोया का छिलका लेकर आते हैं, उसकी कीमत देखिए क्या है। ये सोया मील है, इसकी कीमत हमको 40 रुपये किलो है थोक में, जो पूरा ट्रक आया है, देखिए ट्रक लगा है। बाकी तो बाजार में ये 45-50 रुपये किलो होगा, ठीक है थोड़ा है। किसान भाइयों, हम लोग सोया के साथ दूसरे पशु आहार से अलग है, अनाज मिलाते हैं 30-40%। दूसरे पशु आहार अनाज माफ 5%, 2% या 0 मिलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लगे हुए हैं ढेर, ठीक है। साथियों, सरसों की खल मिलाते हैं हम लोग, आप लोग भी बाजार से लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग जो ब्रांडेड सरसों खल लेकर आते हैं उसकी कीमत आज की डेट में तो काफ़ी है, लेकिन वो यहाँ जो दी जाती है वो टेस्टेड होती है, इसमें तेल 10-11% होता है। आप जो लोग लेते हैं उसमें तेल की मात्रा 8-7% होती है, तो आप ज़्यादा कीमत बाजार से खरीद कर नुकसान कर रहे हैं और अच्छे शुद्ध आइटम नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों को बाजार से कैल्शियम की बोतलें ना खरीदनी पड़े, आपका पशु टाइम से गर्भित हो जाए, उसके लिए जो डॉक्टर लोग मिनरल मिक्सचर लिखते हैं वो आपके इस पशु आहार में 2% लगातार है, ये देख रहे हैं आप पूरा चक्का लगा हुआ है। बाजार से ये मिनरल मिक्सचर जो क्वालिटी है वो आपको 200 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। आपके एक बोरे में 1 किलो मिनरल मिक्सचर होता है। तो साथियों, अच्छा आइटम सस्ता नहीं मिल सकता, तो ये आप खरीद रहे हैं जिस कीमत में, क्योंकि हमारे बाज़ार के खर्चे बहुत कम हैं, सीधे आपको मिलता है और अच्छा दूध मिले हमको, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी हम लोग बना रहे हैं। धन्यवाद शेष, उसको लाइक करें, बाकी हम
इससे संबंधित अगले कैसे दूध बढ़ता है, कैसे पशु को लाभ होता है फिर बताएंगे। धन्यवाद। आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, खुशी जुबां पे थोड़ी रख के तो देखो, जिंदगी मीठी है चख के तो देखो, आनंद करो, आनंद करो, मुस्काने बांटो, उंगलियां चाटो, जिंदगी के हर पल आनंदा के शुद्ध दूध दही घी पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का आनंद लीजिए। आनंदा, आनंद करो।